हेलो दोस्तों वेलकम टू इजी लर्निंग जोन इज यू टू लर्न मैं हूं संजय और आज का वीडियो दोस्तों ट्वेंटी फाइव अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दोस्तों आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी और भी कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए तो वीडियो को पहले से लेकर अंत तक जरूर देखें और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन सेट है वो ट्वेंटी का है अगर आप लोगों का स्कोर ट्वेंटी से पार हो जा रहा है तो आपका प्रिपरेशन लेवल ठीक है और अगर ट्वेंटी से नीचे जा रहा है तो आपको और भी मेहनत करने की जरूरत है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि आपने कितने स्कोर किए हैं तो दोस्तों आज का वीडियो ज्यादा देने किए शुरू करते हैं दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विनर ऑफ द ओपन कॉम्पिटिशन फॉर डिज़ाइनिंग द रूपी साइन वॉज़ तो दोस्तों रूपी साइन का डिज़ाइन किसने किया था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उदय कुमार ने एंड दोस्तों उदय कुमार ने जो रूपी साइन डिज़ाइन किया था ये दोनों लैंग्वेज से बने होते हैं एक है दोस्तों रोमन एंड एक है देवनगरी एंड दोस्तों जो रूपी साइन एडॉप्टेड किया गया था फिफ्टीन जुलाई टू को ठीक है दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सेटेलाइट वॉज तो दोस्तों फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सेटेलाइट का नाम क्या है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एप्पल एंड दोस्तों एप्पल जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट था ये लॉन्च किया गया था 1981 को ठीक है एंड दोस्तों आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था नाइनटीन अप्रैल 1975 को ठीक है दोस्तों एंड हेल्प किया था यूएसएसआर सोवियत यूनियन ने एंड चंद्रयान वन लॉन्च किया गया था 2008 थाउजेंड अक्टूबर एंड दोस्तों चंद्रयान जो टू था वो लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को ठीक है दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है द फोर पेयर ऑफ वार्डस आर गिवन फाइंड द ऑड वन आउट तो फर्स्ट ऑप्शन है फिफ्थ जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये दोस्तों ठीक है ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल आर्थ डे ये भी ठीक है ट्वेंटी सेकेंड मार्च वर्ल्ड वाटर डे ये भी ठीक है एंड दोस्तों ट्वेंटी सेकेंड में वर्ल्ड स्प्रोडे ये गलत है तो दोस्तों वर्ल्ड स्प्रोडे कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है ट्वेंटी मार्च को ठीक है दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स फॉर नॉर्मल आई तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 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 ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब इंक ड्यू टू तो दोस्तों ब्लॉटिंग पेपर इंक को एब्जॉर्ब करता है किसके कारण तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कैपिलरी एक्शन के कारण नेक्स्ट है द लीक ऑफ एल सिलेंडर इज डिटेक्टेड ड्यू टू स्मेल ऑफ हुई ऑफ फ्लोइंग तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सल्फर कंपाउंड एंड दोस्तों एलपीजी का जो फुल फॉर्म है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस एंड दोस्तों एलपीजी में इथाइल मार्केप्टन यूज किया जाता है स्मेल के कारण स्मेल प्रोड्यूस हो इसलिए इथाइल मार्केप्टन यूज किया जाता है एंड इथाइल मार्केट कैप्टन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है सी टू एच सिक्स एस ठीक दोस्तो, है दोस्तों एंड सी है सी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एल में मेनली होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है मनी कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग मोबाइल फोन्स थ्रू द सर्विस इज कॉल्ड तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आई एम पी एस तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस एंड दोस्तों एन ई एफ टी का फुल फॉर्म क्या है एन ई एफ टी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर एंड आर टी जी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है प्रोस्टेट इन ह्यूमन बॉडी इज ए तो दोस्तों प्रोस्टेट है एक ग्लैंड है नेक्स्ट है द नेम ऑफ द स्पेस शटल व्हिच कैरिड द इंडियन बॉर्न कल्पना चावला इन टू स्पेस वॉस तो दोस्तों कल्पना चावला की स्पेस शिप का नाम क्या था तो नाम था दोस्तों ऑप्शन ए कोलम्बिया एंड दोस्तों कल्पना चावला की डेथ हुई थी वन फरवरी टू थाउजेंड थ्री को ठीक है दोस्तों एंड कल्पना चावला हरियाणा की लड़की थी एंड दोस्तों फर्स्ट वुमेन टू गो इन टू स्पेस अगर कहा जाए तो कल्पना चावला ही होगी फर्स्ट इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई थी फर्स्ट आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है जिका वायरस व्हिच डैमेज द ब्रेन ऑफ द फ्यूटस इज तो दोस्तों जिका वायरस इज ए मॉस्किटो बॉर्न वायरस ठीक है दोस्तों एंड जिका वायरस फर्स्ट फाउंडेड किया गया था युगांडा में ठीक है एंड साल है 1947, 1947 में युगांडा में फर्स्ट जीका वायरस का पाया गया था ठीक दोस्तो? है दोस्तों एंड जीका वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है एंड मॉस्किटो कौन सी मॉस्किटो है मॉस्किटो है एडिस एडिस मॉस्किटो जीका वायरस फैलाता है ठीक है दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है एसी इज कन्वर्टेड इंटू डी सी बाई ए तो एसी ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जा सकता है इसका आंसर है ऑप्शन बी रेक्टिफायर के द्वारा दोस्तों नेक्स्ट है हाउ मेनी प्लेयर्स ऑन ईच साइड आर रिक्वायर्ड फॉर द गेम ऑफ वॉलीबॉल तो वॉलीबॉल के गेम में इच साइड में कितने प्लेयर होते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्स प्लेयर एंड दोस्तों पोलो गेम में होता है फोर प्लेयर वाटर पोलो में होता है सेवन प्लेयर खो खो में नाइन प्लेयर एंड बास्केटबॉल में फाइव प्लेयर दोस्तों कौन सी गेम में कितने प्लेयर होते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया हो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ पर एक स्टैटिक जीके करके प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हिराकुंद रिजर्वर इज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर तो इसका आंसर है ऑप्शन सी महानदी एंड दोस्तों हिराकुंद जो डैम है वो कहाँ पर है वो है उड़ीसा में पर दोस्तों उड़ीसा में है एंड दोस्तों आप लोगों को बताना होगा कि तेहरी डैम कहाँ पर है इसका आंसर आप लोग कॉब कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा नेक्स्ट है वेन ए पर्सन कैन सी ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट द कंडीशन इज कॉल्ड दोस्तों जब एक व्यक्ति को सामने की ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं एंड दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते तो उसको क्या रोग है तो उसको रोग है मायोपिया एंड दोस्तों मायोपिया में जो लेंस यूज किया जाता है वो है कॉनकेब लेंस एंड हाइपर में कौन सी लेंस यूज किया जाता है कॉन्वेक्स एंड दोस्तों एस्टिंग में जो लेंस यूज किया जाता है उसका नाम है सिलेंडरिकल लेंस ठीक है दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है स्टडी ऑफ आर्ट इज़ नोन एज तो दोस्तों स्टडी ऑफ आर्ट क्या लाता है ऑप्शन डी जियोलॉजी नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सोबायोलॉजी तो दोस्तों एक्सोबायोलॉजी क्या है एक सौ है दोस्तों लाइफ इन आउटर स्पेस नेक्स्ट है स्लेब डायनेस्टी वाज फाउंड बाय तो स्लेब डायनेस्टी किसने फाउंड किया था इसका आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ने नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रोटेशन स्पीड ऑफ ए सेप्ट इज कॉल्ड तो इसका आंसर है ऑप्शन बी टेकोमीटर एंड दोस्तों एनिमोमीटर है वाइंड स्पीड मेजर करने के लिए एंड दोस्तों क्रोनोमीटर क्या है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र द फेमस बैटल फील्ड मैंशन इन महाभारता वॉज लोकेटेड नियर तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अम्बाला सिटी एंड दोस्तों अम्बाला सिटी कहाँ पर पड़ता है ये पड़ता है हरियाणा में एंड दोस्तों जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था वो 18 डेज तक हुआ था नेक्स्ट है हुईज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव फुटबॉल एज द नेशनल गेम तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी अर्जेंटीना अर्जेंटीना का जो नेशनल गेम है वो है पैटो पी ए टी ओ ठीक है दोस्तों एंड पैटो जो गेम है वो घोड़े के ऊपर खेला जाता है घोड़ों पे घोड़ों के ऊपर बैठकर, ये कॉम्बिनेशन है पोलो एंड बास्केटबॉल का कॉम्बिनेशन है ये पैटो गेम नेक्स्ट है गैलन इज कॉमनली यूज तो दोस्तों गैलन किस लिए यूज़ किया जाता है तो गैलन यूज किया जाता है एज ए मेजर ऑफ वॉल्यूम नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन द न्यू एम एस एक्सएल वर्कशीट इज तो दोस्तों जो एम एस एक्सएल वर्कशीट में मैक्सीम नंबर कलम कितने हो सकते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टू टू दावर फोर्टीन नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भगत सिंह दोस्तों जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था ये 1928 में फाउंडेड किया गया था ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन ईयर तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1942. तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अगर वीडियो देखकर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट